गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएफ के बारे में। डीपीएफ की फुल फॉर्म होती है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। ये अधिकतर डीजल गाड़ियों में हम लोग यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है ताकि हम लोग जो है पॉल्यूशन को कम कर सकें, कार्बन प्रोसेस को कम कर सकें, और कार्बन जो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है उसको हम कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर का यूज़ किया जाता है। शुरू में ये इसको हो गए कुछ टाइम हो गया, इसको साल डेढ़ साल से ऊपर हो गया है इसको मार्केट में आए हुए, और ये अभी गाड़ियों में आना शुरू हो गया है। पॉल्यूशन कम करना इसका मेन उद्देश्य है। आइए हम लोग देखते हैं डीपीएफ में जनरली कुछ चीज़ें हम लोग ने ऐड की हैं। तो ये हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम के आसपास इसका यूज़ करते हैं डीपीएफ। ये मैंने यूनिट बना के यहाँ पर दिखाई है। उसके अलावा यहाँ पे कंबशन चैम्बर के हिसाब से मैंने दिखा रखा है कि कंबशन चैम्बर में से किस प्रकार से बर्निंग गैसेस निकलेंगी और आगे डीपीएफ की तरफ जाएंगे। उसका पूरा डायग्राम समझने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक चैम्बर हमारे पास रहता है डीपीएफ के अंदर। डीपीएफ यूनिट में एक चैम्बर हम यूज करते हैं, ये अलग से छोटा सा चैम्बर होता है और इसके साथ में एक फ्यूल टैंक तो हमारी हर गाड़ी में आपको मिलेगा। तो डीपीएफ चैम्बर के अंदर हम लोग केमिकल का यूज करते हैं। इसके अंदर हम केमिकल का यूज करते हैं जो कि फेरस ऑक्साइड के नाम से हो सकता है, यानी कि मेटल के कुछ तत्व छोटे छोटे कण होते हैं जो बारीक महीन कण होते हैं, उसका यूज हम लोग करते हैं इसके अंदर। इसमें जो है कुछ वाटर का कण भी होते हैं, वाटर यूज किया जाता है साथ में इसको स्प्रे करने के लिए। इसको यूज करने के पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए इसकी वर्किंग कैसी है। तो इसके अंदर हम केमिकल यूज करते हैं जो कि फेरस ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होता है और हम टैंक में इसको इंजेक्ट करवाते हैं फ्यूल टैंक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में आपका आंसर दूंगा बाद में, पहले आप ये देखिए यहाँ पे एक ECU लगा होता है। ECU हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या ECM हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं उसे। तो इसको डाटा हमें चाहिए होता है सभी चीजों का जहां जहां से डीपीएफ काम कर रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हमने फ्यूल टैंक में फ्यूल फुल करवाया, मान लीजिए टैंक 40 लीटर का है, तो 40 लीटर अगर हमने इसको फिल करवाया तो फ्यूल टैंक में फ्यूल पंप के साथ में ही एक सेंसर लगा होता है जो ये सेंस करके बताएगा कि फ्यूल कितना टैंक में आ गया है फिल करते समय। अगर 40 लीटर इसमें आ गया है तो इसका जो सेंस होगा, सेंसर सेंस करके डायरेक्टली ECM को बताएगा। ECM ये जज करेगा कि 40 लीटर इसमें आया है तो कितना हमने केमिकल इसमें स्प्रे करना है, मिक्स करना है इसमें। कहने का मतलब है ये 0.001 हो सकता है, इतना हम लोग यूज करते हैं। एक एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मैंने तो एक सिर्फ क्वांटिटी बता दी आपको, 0.001 इसमें यूज कर सकते हैं 40 लीटर में, या 1 लीटर में, 100 लीटर में हम लोग कुछ ml के आसपास इसमें यूज करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो इसमें जब ये टैंक सेंसर को सेंस करके बता देगा ECM को, तो डीपीएफ का जो केमिकल बॉक्स होगा इसमें से कुछ स्प्रे इसमें हो जाएगा जो कि ऑपरेट होगा ECM के थ्रू। ECM ऑपरेट करवाएगा डीपीएफ केमिकल जो बॉक्स है उसको ऑपरेट करवाएगा और उसमें से स्प्रे करवाएगा या मिक्स करवाएगा फ्यूल टैंक के अंदर। तो फ्यूल टैंक में मिक्स होने से क्या होगा, फ्यूल की जो सप्लाई है वो आगे जाएगी और आगे जाने के बाद इनलेट में वो बर्न होगी। बर्न होते समय क्या है, जो वाटर के कण होंगे वो तो जल जाएंगे भाप की वजह से, बाकी जो मेटल होगा वो आगे पास करेगा एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट में पास करने के बाद वो डीपीएफ फिल्टर में जाएगा। डीपीएफ फिल्टर में क्या होता है, डीपीएफ फिल्टर जो होता है एक तरह का हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने कैटालिटिक कन्वर्टर में देखा होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर भी हनीकॉम यूज किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो इसी प्रकार से डीपीएफ फिल्टर के अंदर भी मधुमक्खी के छत्ते की तरह हनीकॉम यूज किया जाता है। और जब कार्बन प्रोसेस होता जाता है साथ में ये पार्टिकल्स जो है केमिकल्स के, फेरस के, वो भी साथ में जा रहे हैं, लेकिन कार्बन अधिक होने की वजह से ये फिल्टर चोक हो जाता है, क्योंकि इसके जो पर्टिकुलेट होंगे, इसके पर्टिकुलेट को हम लोग जो है कार्बन प्रोसेस, कार्बन होता है एक तरह का, इसको हम सूट भी कहते हैं, SO2 सूट भी कहते हैं, यानी काजल एक तरह का, काला कालिक, कालिक को हम लोग सूट कहते हैं। तो उसका यूज यहाँ पे करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके जो है इसकी वॉल्स पे चिपक जाएगा, जो इसके पर्टिकुलेट होंगे साथ में चिपक जाएंगे, उसके साथ में मेटल फेरस ऑक्साइड जो है वो भी साथ में चिपकेगा। वो साथ में चिपकने के बाद वो इस जगह को चोक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने ब्रीफिंग के लिए दिया था, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो है इसको इस जगह पे चोक कर देगा। तो धीरे धीरे चोकने लग जाएगा। इसका आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इसके साथ में जब इस जगह पे, यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, देखिए ये एक प्रेशर सेंसर लगा होता है इस जगह पे, जो कि इलेक्ट्रिकल हीटर से पहले होता है, डीपीएफ से पहले होगा। इस जगह पे प्रेशर सेंसर लगा होता है, O2 सेंसर भी हम लोग ने दिए होते हैं जो कि ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा को बता रहे होते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। तो हमारा प्रेशर सेंसर से मेन हमारा रहता है कि प्रेशर सेंसर यहाँ पे रहेगा।
तो इसका डाटा भी ईसीयू को जाता रहेगा। इलेक्ट्रिकल हीटर को जो कमांड आ रही है वो भी ईसीयू से आ रही है। उसके अलावा मास फ्लो मीटर यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे हमने जो प्रेस इसमें जो हम लोग आगे एयर भेजेंगे, एयर भेजने के लिए हमने एयर कंप्रेसर दिया होता है। एयर कंप्रेसर क्या करता है, बहुत तेजी से एयर के फ्लो को भेजेगा, एयर के फ्लो को बहुत अधिक मात्रा में भेजेगा। तो यहाँ पे इस जगह पे एयर ड्रायर होता है, फिल्टर मान सकते हैं। एयर ड्रायर में फॉरन पार्टिकल्स और पानी की बूंदे, मॉइस्चर की या ऑयल की बूंदे उसको होल्ड करेगा फिल्टर, ये इसलिए दिया जाता है। उसके बाद ये प्रेशर से आगे मास फ्लो मीटर पे दिखाएगा प्रेशर कितना है उसका, उसकी रीडिंग हमारी ईसीयू को जा रही है। आगे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर तक आएगा एयर का फ्लो। इलेक्ट्रिकल हीटर जो ऑपरेट हो रहा है वो भी ईसीयू से हो रहा है। ईसीयू जो है कमांड देगा तब जब यहाँ पे चोकिंग हो जाएगी, यानी प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, जब डीपीएफ चोक हो जाएगा, डीपीएफ में कार्बन की प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, अधिक मात्रा में हनीकॉम चोक होने लग जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होने से ईसीएम को संकेत जाएगा और ईसीएम में कमांड देगा, ईसीएम कमांड देगा किसको, इलेक्ट्रिकल हीटर को। इलेक्ट्रिकल हीटर को कमांड देने से क्या होता है, इसमें जो है हीटिंग जनरेट होगी। हीटिंग जनरेट होने से जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं इस टाइम पे। तो डीपीएफ के अंदर जो कार्बन प्रोसेस हो रहा होता है वो चोक होने की वजह से जल नहीं पाएगा अपना उसकी, इसीलिए हमने उसमें जो है केमिकल जो फेरस ऑक्साइड है वो उसमें हमने दे रखा है डीपीएफ में, वो जाके इस जगह पे चोक हो जाएगा जलने के बाद। इस जगह पे चोक हो गया किसके साथ में, कार्बन के साथ में मिक्स है। तो जब हम हीटर रेज करेंगे तो वो मेटल के कण धीरे धीरे गर्म होने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से आसपास जितना भी कचरा होगा यानी कि ब्लैक कार्बन होगा, सूट होगा, उसको जलाना शुरू कर देगा। और एयर का फ्लो क्या करेगा, पीछे से धक्का मारेगा और बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकेगा। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये ऑपरेट करता है उस टाइम पे बहुत तेजी से आवाज आती है, जूम करके आवाज आती है। इसका हमें अंदाजा हो जाता है कि इस टाइम पे डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर काम कर रहा है। थोड़ी देर के लिए आएगी फिर चली जाएगी, इसका मतलब जितना भी कार्बन था उसने जला दिया, जलाने के बाद बाहर फेंक दिया। और उसके अलावा जब ये काम करता है तो क्लस्टर मीटर के अंदर एक छोटी सी लाइट आती है जो कि डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर की होती है, और वो लाइट इंडिकेट करने का मतलब है कि ये अपना काम इस टाइम पे कर रहा है। क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो होता है एग्जॉस्ट गैसेस से बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगा, या वाटर के कण छोड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको फ्यूल टैंक के बारे में बता रहा था कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। मेटल का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो है हम लोग मेटल के कण को गर्म करके उसकी मदद से कार्बन को जला सके, इसलिए इसका यूज किया जाता है। डीपीएफ केमिकल जो बॉक्स होता है वो अलग होता है, इसको हमें फिल करना होता है अलग से, इसमें जो केमिकल होता है वो डालना होता है। फ्यूल टैंक को जज करने के लिए हमारे ऑलरेडी सेंसर होते ही हैं। तो डीपीएफ का पर्पज जो है वो कार्बन को कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन प्रोसेसिंग है उसको कम करना है, या फिर अगर इसमें चोकिंग हो जाती है तो बार बार उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और उसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर को बेटर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए डीपीएफ का यूज किया जाता है। बड़ी गाड़ियों में भी आजकल अब धीरे धीरे करके पैसेंजर कार में भी यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये आज हमने पढ़ा डीपीएफ, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। धन्यवाद।